हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को और उसके बाद दबाइए इस बेल आइकन को और पाइए हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्रो टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके जेई के एग्जाम हो या फिर किसी भी टेक्निकल एग्जाम में हो उसके बेस ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसका पहला सेट मैंने दे दिया था, ये दूसरा सेट है। तो दोस्तों, अगर जो आपने मेरे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं अपने चैनल के रेगुलर वीडियो अपडेट आपके पास पहुंचाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन एसआई यूनिट, तो टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है? तो आंसर है केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ मास इन एसआई यूनिट, तो नेक्स्ट किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ लेंथ इन एसआई यूनिट, मीटर। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ टाइम इन एसआई यूनिट, सेकेंड। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ एनर्जी इन एसआई यूनिट, जूल। एसआई मतलब होता है स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, तो ये यूनिट होती है, मतलब अलग इसे एम के एसआई पद्धति होता है, एसआई पद्धति होता है, उसी तरह ये एसआई पद्धति में टाइम का मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है, तो है सेकेंड। तो इसको आपको कोई प्रॉब्लम तो मैंने बता दिया। तो द यूनिट ऑफ एनर्जी इन एसआई यूनिट, एनर्जी की यूनिट क्या होती है एसआई में, एसआई पद्धति में, तो ये होता है जूल। और जनरल इक्वेशन इज पीवी बराबर एमआरटी। तो ये विकल्प दिए थे, कई विकल्प दिए थे, उसमें से एक जनरल इक्वेशन चूज करना था सही, तो वो पीवी बराबर एमआरटी होता है, आप याद कर लीजिएगा। तो द यूनिट ऑफ प्रेशर इन एसआई यूनिट, तो प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, तो है पास्कल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर ऑफ गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी टू मॉलिक्यूल, जो टेम्परेचर ऑफ गैस होता है, गैस का तापमान होता है, वो प्रोड्यूस्ड करता है काइनेटिक एनर्जी टू मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर हीटेड वेपर बिहेव, सुपर हीटेड कैसा बिहेव करता है, तो सुपर हीटेड वेपर जो है वो एज एवरेज ऑफ वेपर एंड गैस, तो वो एवरेज मतलब वेपर एंड गैस की तरह एवरेज में बिहेव करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द यूनिट ऑफ पावर इन एसआई यूनिट वाट, द बिहेवियर ऑफ गैस कैन फुली डिटरमाइन बाय फोर लॉज, जो गैसेस का बिहेवियर है वो कितने लॉ पर डिपेंड करता है, तो है फोर लॉज। तो कैरेक्टरिस्टिक गैस कॉन्स्टेंट ऑफ गैस इज इक्वल टू सीपी माइनस सीबी, तो कैरेक्टरिस्टिक होता है गैस, वो कॉन्स्टेंट ऑफ गैस इज लॉ इक्वल टू किसके बराबर होता है, सीपी माइनस सीबी। तो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में जीरो, शून्यवा नियम तो क्या डिफेंड करता है, तो उसका आंसर आप देख सकते हैं। तो स्टेट दैट इफ टू सिस्टम आर बोथ आर इक्वल, इफ दो सिस्टम दो निकाय इक्वल हो तो और वो थर्ड सिस्टम से टच हो रहे हो, देन दे आर इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, तब तीनों ही एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम इज हीट सप्लाइड, अगर जो किसी सिस्टम की एंथैल्पी चेंज हो रही है तो हीट सप्लाई जो कि कॉन्स्टेंट प्रेशर में हो, कॉन्स्टेंट प्रेशर में हीट सप्लाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन ओपन सिस्टम इन विच इज दिस, तो इनमें से ओपन सिस्टम क्या है, तो आंसर एक ही आंसर मैंने दे दिया था, बोथ एनर्जी एंड मास ट्रांसफर और क्रॉस द बाउंड्री, जो कोई सराउंडिंग सिस्टम है तो उससे अगर जो एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफर आदान प्रदान हो रहा है तो ये ओपन सिस्टम होगी, ओपन सिस्टम साइकिल होगी। तो ये था मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुछ क्वेश्चन, और नेक्स्ट सेट मैं जल्दी ही लेकर आऊँगा, और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को जो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।